टूवर्ड सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो आज 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके साथ में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ग्रुप डी के पेपर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपके ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जहाँ से आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए मिल जा रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपके पास में अन अकेडमी का पहले से लर्निंग ऐप है तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम फ्री है तो इसको आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, काफ़ी लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों को इतना तो पता है कि सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं, हो सकता है आपको अगर आप पेपर देकर आए हैं एक दो क्वेश्चन ना मिले, तो आप अगर पेपर देकर आए हैं तो अपने नंबर अपने जो क्वेश्चन हैं आए हैं आप कमेंट कर दें ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं मेरठ के आसपास से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो Dr. G. Satish Reddy, ठीक है, Dr. G. Satish Reddy को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। और एक ऐसा ही प्रश्न और पूछा जाता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो इसरो है इसरो के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाए तो K. Sivan इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, K. Sivan राइट आंसर होगा, इसरो के अध्यक्ष के रूप में K. Sivan कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने कनाडा से व्यापारिक संबंधों पर रोक लगा दी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। अभी हाल ही में किस देश ने कनाडा से व्यापारिक संबंधों पर रोक लगा दी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। और सऊदी अरब के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर फर्स्ट अभी सिनेमा घर दोबारा से चालू कर दिया गया है और जो महिलाएँ हैं वो अब ड्राइव कर सकती हैं, महिलाएँ मैच देख सकती हैं स्टेडियम में जाकर, महिलाएं मूवी देख सकती हैं और तो और महिलाएं मंत्री बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो महिलाओं पर बैन थे सऊदी अरब में वो हटा लिए गए हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न इस्लाम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न इस्लाम को कहाँ पर लागू किया गया है, तो वो किया गया है सऊदी अरब के अंदर, ठीक है, मॉडर्न इस्लाम, राइट। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सोडियम ओस की बूंदों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, कौन सी गैस बनाता है। तो एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि सोडियम को जल से अभिक्रिया कराने पर किस तरह की गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो जल की बूंदे या ओस की बूंदे एक ही बात है, तो इसका राइट आंसर इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शांति के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इनके साथ में एक महिला थी, उसका नाम आपको बताना है मुझे कमेंट करके, वो कौन सी महिला थी और वो पाकिस्तान से थी, बेसिकली आपको बताना है तो उनका नाम क्या था, गर्ल्स हैं आपको बताना है। अब आप इस प्रश्न को देखिए, आवर्त सारणी में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तत्व की परमाणु जो त्रिज्या है वो अधिक होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप पीरियड के अंदर जो पीरियड होते हैं इस तरीके के आपके लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या रखना है, जो ग्रुप होते हैं आपके ऐसे वाले उनमें अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आपको ऐसे दिए होंगे, या तो पीरियड के बेसिस पर आपको ऑप्शन दिए होंगे या फिर ग्रुप के बेसिस पर आपको ऑप्शन होंगे, तो ये चीज़ वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में जो वित्त सचिव हैं वे कौन हैं, हसमुख अधिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कौन है, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है तो आने वाले जो आपका पेपर है यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है, अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2018 की विजेता टीम कौन है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था IPL की विनर के बारे में, तो ये कौन थी, चेन्नई थी और किसको हराया था, ये सब आप लोग जानते होंगे, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आप देखने को मिल रहा है कि किस में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये चाय में कौन सा अम्ल होता है,
टैनिक अम्ल पाया जाता है, और इससे संबंधित और अम्ल बता देता हूँ। जैसे इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिकम, ठीक है। और सिरके के अंदर जो सिरका होता है, सिरका जो आप खाने में यूज करते हैं, विनेजर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर एसिटिक एसिड को आप किस नाम से जानते हैं, तो सिरका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 63। अब मेंडेलीव की आवर्त सारणी से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लीजिए एक बार, कि कितने आवर्त होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं। तो आवर्त कितने होते हैं? 7, और ग्रुप कितने थे? 9 थे, तभी तो ये कितना आया था? 63 आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मेंडेलीव को ही आधुनिक आवर्त सारणी का कई बार फादर बोलते हैं, और इनकी मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, इसका डीमेरिट अगर आपसे पूछा जाए तो ये हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनका प्रॉपर स्थान नहीं बता पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी को सबसे बाद में पास करने वाला राज्य कौन सा है? तो हम आपसे हमेशा कहते आ रहे थे, आपसे पूछा जा रहा था कि जीएसटी को सबसे पहले किसने पास किया था, तो किसने किया था? असम ने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब आपसे क्या पूछा गया कि सबसे बाद में किसने पास किया है, तो ये जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो आपको फैक्ट बताता हूँ ये कहीं ना कहीं आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पर एक ऑपरेशन भी चलाया गया था दुर्गा, ठीक है, दुर्गा, उसमें क्या था कि जो महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा था। और यहाँ पर और काफ़ी सारी योजनाएं चली जा रही हैं जो आपको याद में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन हमें फलों और सब्जियों से नहीं मिलता है? तो ऐसा विटामिन एकमात्र कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हार्मोन बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इस केस में? विटामिन डी को हार्मोन बोला जाता है। विटामिन डी हमें मुख्य रूप से सूर्य से मिलता है, सूर्य की किरणों में पाया जाता है। और समय अगर आपसे पूछा जाए तो 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है दिन का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सूर्य से विटामिन डी लेने के लिए। और एक प्रोजेक्ट चला जा रहा है जिसका नाम है धूपम एक प्रोजेक्ट चला जा रहा है। उसका काम यही है कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनमें विटामिन डी की कमी ना हो जाए, इसी के लिए धूपम प्रोजेक्ट चला जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन डी की कमी ना हो, इसलिए सूर्य किरणों में थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज कराना है, इनका बेसिकली उद्देश्य है। आधुनिक आणविक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको भी आपको याद रखना है, जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कैलोरीन में कितना होता है? एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट में घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आपको याद रखना है, 310 केल्विन होता है। और अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर आपसे फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? संघ घोष को दिया गया है। और अगर आपसे अभी का पूछे 53वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून में आयरन कितने प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 30 से 40%। और खून की कमी से आयरन की कमी से खून, अगर आयरन की कमी हो जाती है खून में, तो एनीमिया एक रोग होता है, वो हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है यहाँ से पूछ के, एनीमिया एक रोग होता है जो खून में आयरन की कमी से हो जाता है। और आयरन कहाँ पर होता है? बेसिकली ये हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना। नीरव मोदी किस बैंक घोटाले से जुड़े हैं? राइट आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक, आप सभी जानते हैं इसको। और ये लगभग 11,000 करोड़ रुपये का जो था घोटाला हुआ था इसके आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटिको में काम करने वाली भारत की अभिनेत्री कौन है? तो क्वांटिको में जो एक सीरीज है, नाटक की सीरीज है, ये कहाँ पर चलाई गई थी? ये यूएसए में चलाई गई थी। और यहाँ पर जो काम किया है, ये चला किया है प्रियंका चोपड़ा ने।
जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप देखेंगे गीता मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटी रोमियो कहाँ पर चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया है एंटी रोमियो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राम नाईक, राम नाईक यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसी के तर्ज पे मैंने आपको पहले बताया था हरियाणा में चला था दुर्गा ऑपरेशन, और उत्तर प्रदेश में एक और स्कीम आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में एक चलाया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है, और एक चलाया गया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है हरितमा गंगा परियोजना, हरितमा गंगा परियोजना भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, तो ये राजीव कुमार होगा, चेयरमैन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये पहले आना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन अभी इसका नंबर बाद में आया, तो यहाँ पर राजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसको भी आपको याद रखना है, यू नो उसका नाम है, उसको हिंदी में यू नो ऐसे लिखते हैं, यू नो, और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यू इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन। और इसका क्या काम है, इसका मतलब जैसा आप समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ एक एक ही ऐप की रिक्वायरमेंट है सभी काम करने के लिए, इससे आप अपनी बैंकिंग कर सकते हैं, घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, ये सारी सुविधाएं इस यूनो ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। तो ये स्टेट बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। झूमर नृत्य कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झूमर नृत्य ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपने पद्मावत मूवी में इसका नाम सुना होगा झूमर घूमर का, तो वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो ये दो राज्यों में चलाया होता है बेसिकली, एक तो हरियाणा में होता है और एक होता है राजस्थान में। अब ऑप्शन में जो भी आपको राइट आंसर मिला होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए, आशा करते हैं इनके साथ में जो फैक्ट बताए गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।